अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू फूड डायरीज। मैं हूं सोनिया और आप देख रहे हैं फूड डायरीज बाय सोनिया यूट्यूब चैनल। तो और माय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद करती हूं सब हैरियत से होंगे। फ्रेंड्स, आज हमारे किचन में बनने जा रही हैं मटन चॉप्स। तो इन्हें बनाने के लिए हमें जो अज़ा दरकार होंगे वो कुछ इस तरह से हैं। यहाँ पे मैंने मटन चॉप्स ली हैं 6 से 7 अदद। दही हमें चाहिए होगी 1/2 प्याली। लेमन जूस चाहिए होगा हमें 2 टेबल स्पून। मसाला जात में हमें चाहिए होगा गरम मसाला 1 टीस्पून, चाट मसाला 1 टीस्पून, सूखा धनिया 1 टीस्पून, हल्दी 1/2 टीस्पून, नमक 1 टेबल स्पून या हसबे जायका, कुटी हुई लाल मिर्च 1 टेबल स्पून, जायफल और जलवत्री का पाउडर 1/2 टीस्पून, ज़ीरा हमें चाहिए होगा 1 टीस्पून। तो चलिए फ्रेंड्स, बढ़ते हैं अपनी आज की रेसिपी की तरफ। लेकिन इससे पहले जो लोग न्यू आए हैं मेरे चैनल पे, वो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर आने वाली न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन आपको बर वक्त मिल जाए। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले हम चॉप्स को मैरिनेट कर लेंगे। हम लेंगे एक बाउल, इसमें ऐड करेंगे दही, ऐड करेंगे नमक, कुटी हुई लाल मिर्च, हल्दी, सूखा धनिया, जायफल और जलवत्री का पाउडर, जीरा, गरम मसाला, चाट मसाला। अब इन सब चीजों को मिक्स कर लेंगे। ऐड करेंगे गार्लिक पाउडर, जिंजर पाउडर, ये दोनों चीजें मैं आपको पहले बताना भूल गई थी, आप इसे ऐड कर लीजिएगा। अगर आपके पास जिंजर और गार्लिक पाउडर नहीं है तो आप जिंजर गार्लिक पेस्ट भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ऐड करेंगे लेमन जूस, मिक्स करेंगे, इन सब चीजों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। अब 1 by 1 चॉप्स को इसमें मैरिनेट कर लेंगे। देखें फ्रेंड्स, हमने चॉप्स को अच्छे से मैरिनेट कर दिया है। अब हम इन्हें 2 से 3 घंटों के लिए मैरिनेट होने देंगे। फ्रेंड्स, यहाँ 2 से 3 घंटे हो गए हैं, चॉप्स अच्छे से मैरिनेट हो गई हैं। अब हम इन्हें कुक कर लेंगे ताकि ये सॉफ्ट हो जाएं। ऑयल लेंगे 3 से 4 टेबलस्पून। चॉप्स को डालेंगे, अब इन्हें ढक के लो फ्लेम पे तब तक के लिए पकाएंगे जब तक कि गोश्त सॉफ्ट ना हो जाए। अगर ज़रूरत पड़ेगी तो हम थोड़ा सा इसमें पानी ऐड कर देंगे। फ्रेंड्स, चॉप्स को पकते हुए 25 से 30 मिनट हो गए हैं, सारा पानी खुश्क हो गया है और ये अच्छे से सॉफ्ट भी हो गई हैं। अब हम इन्हें कोयले की स्मोक दे देंगे। फ्लेम को ऑफ कर दीजिए।
फ्रेंड्स, हमारी मटन मसाला चॉप्स सर्व करने के लिए बिल्कुल तैयार है। ये बड़े ही मजे की हुई है, बड़े ही मजे की बारबेक्यू की खुशबू आ रही है। आप इस रेसिपी को जरूर ट्राई कीजिएगा, ये आपको बहुत ही मजा देगी। आप इस रेसिपी को ट्राई करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में जरूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी है। अगर अच्छी लगी हो तो मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और मेरी वीडियो को अपने फ्रेंड्स और फैमिली के साथ शेयर भी जरूर कीजिएगा। तो फिर इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट किसी वीडियो में किसी और अच्छी रेसिपी के साथ। तब तक अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।